हेलो नमस्ते वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्कूल शार्क टाइम में। आज यहाँ स्कूल के बच्चे बिजनेस आइडियाज बताएंगे। जिस बच्चे के आइडिया में सबसे ज्यादा दम होगा उस बच्चे को स्कूल की तरफ से मिलेगा बिजनेस डोनेशन। आप सब तैयार हो जाएं स्टार्टअप आइडियाज सुनने के लिए। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अंदर आ जाए। नमस्कार शार्क्स, मेरे पास कई धमाकेदार बिजनेस आइडिया है। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे बिजनेस को ज्वाइन करें। ज्वाइन होना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, तू बस अपना बिजनेस आइडिया बता और जितना मुझसे बच सकता है बच। तो शार्क्स, मेरा पहला बिजनेस आइडिया है, हम बेचेंगे गधे का दूध। अबे गधे दूध नहीं देते, गधी दूध देती है। अब गधे भी बेचेंगे गधी का दूध। ओए तुम दोनों शांति से खड़े रहो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और तू बता रे दूध किसका बेचना है, गधे का या गधी का? सॉरी सर, वो मेरे मुंह से निकल गया। सर गधी का दूध बेचना है, गधी का। शार्क्स, आप लोगों को हैरानी होगी यह सुनकर कि गधी के दूध को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। गधी का दूध न सिर्फ स्किन के लिए बेहतर साबित हुआ है बल्कि कई बीमारियों को भी मिटाने के लिए कारगर साबित हुआ है। गधी के दूध का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे निकालने के बाद काफी दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाता है, जबकि गाय भैंस बकरी और ऊँटनी का दूध कुछ ही समय में खराब हो जाता है। गधी का दूध 7,000 से 8,000 रुपए किलो बिकता है। आइडिया तो अच्छा है वैसे, लेकिन इतना पढ़ लिख कर गधी का दूध बेचना अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं, डंकी मिल्क बिजनेस। अभी इस बिजनेस पर अंबानी और अडानी की नज़र नहीं पड़ी है, तो इस बिजनेस को शुरू करने का इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। इस बिजनेस में बस एक एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत होगी जो गधी का दूध निकालने में एक्सपर्ट हो, क्योंकि जब गधी का दूध निकालते हैं तो गधी लात बहुत मारती है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए। हमारा ये गधी का दूध बड़े बड़े ब्रांड वाले दूध का छुट्टी कर देगा। हम अपने ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट ऐसे करेंगे जिससे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक देश के सभी लोग इसको पिएंगे, यहाँ तक कि खिलाड़ी खेलने से पहले ये दूध पिएंगे, बड़े बड़े एक्टर्स शूटिंग पर जाने से पहले ये दूध पीकर जाएंगे, क्योंकि गधी का दूध स्किन पर ग्लो लाता है, एज को भी बढ़ने से रोक देता है। यहाँ तक कि दूध का स्टॉल कॉलेज और शादी वाली जगह पर लगाएंगे ताकि जो लोग पार्लर नहीं जा पाए हैं वो लोग दूध पीकर अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं। सबसे पहले गधी के दूध की जरूरत तुझे है ताकि तेरा दिमाग सही ढंग से काम करने लगे। ओए मोनू तू बीच में नहीं बोल सकता है। हाँ तू बता क्या क्या है इस बिजनेस में? सर शाम और सुबह गधी का दूध निकालना है, उसके बाद गधी को किराए पर दे सकते हैं जिसे ले जाकर लोग अपना सामान इधर से उधर करने के लिए यूज करते हैं। मैं इस बिजनेस से बाहर होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जानवरों वाले बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम आउट, मैं इस बिजनेस में पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई एम आउट। प्रिंसिपल सर क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? देख गधे, इस बिजनेस में मेहनत बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि तेरे से हो पाएगा, तो आई एम आउट। प्रिंसिपल सर सही कह रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें गधी के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैंने गधी के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया है, काफी कुछ जानकारी इकट्ठा किया है। गधी को बोझ ढोने के लिए पाला जाता है, भारतीय सेना भी उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए गधी का इस्तेमाल करती है जहां कोई और वाहन नहीं पहुंच सकता है। गधी को धोबी और कुम्हार लोग पालते हैं। गधी को मूर्ख समझा जाता है क्योंकि वह ईमानदार और मेहनती होते हैं। गधी को चालाकी नहीं आती इसलिए वह दूसरे जानवरों के मुकाबले ज्यादा काम करते हैं। गधी मार खाने के बाद भी सामान ढोती है, वह खुद के बारे में कभी नहीं सोचती है, शायद इसीलिए मूर्ख समझ लिया जाता है। हम इस गधे के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई और बिजनेस आइडिया हो तो बता सकते हो। मेरे पास एक और बिजनेस आइडिया है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं। नहीं रहने दे, मत सुना। हाँ बेटे सुनाओ 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 तुम। ओए तू बीच में मत बोल। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार है और हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। हमें छेदना है बच्चों के कान और नाक। ओए तुम दोनों शांति से खड़े रहो
इसमें हम स्टॉल भी लगा सकते हैं या घर घर जाकर बच्चों के नाक और कान छेद सकते हैं। हम एक कान छेदने का 100 रुपए लेंगे और दोनों कान छेदने का 200 रुपए लेंगे और नाक छेदने का 150 रुपए लेंगे। बस हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ छोटे बच्चे बहुत ज्यादा आते जाते हों, जैसे कि मोहल्ले का गार्डन, मंदिर वगैरह। ज्यादातर छोटी लड़कियों के कान और नाक छेदना है। अगर उनके घर वाले मना करें तो बोलना है कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी छिदवा लो, बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे तो छिदवाएंगे नहीं। ऐसा कहने पर वो तुरंत छिदवा लेंगे। हम नाक और कान छेदने के पैसे पहले ले लेंगे और छेदने के बाद उनके घर वालों से बोलेंगे कि छिदवाने की खुशी में कुछ शगुन तो दे दो, फिर वो खुश होकर 51 या 101 रुपए दे देंगे। शगुन वगुन कोई नहीं देगा, तू कौन सा शादी का रिश्ता लेके आया है? और कहीं अगर गलत छेद दिया और खून वगैरह निकलने लग गया ना तो मार अलग से खाएगा। तुम लोगों के दिमाग में पढ़े लिखे लोगों वाला कोई बिजनेस आइडिया नहीं आता है? ये नाक कान छेदेगा पढ़ लिख कर, तू कैसी बातें कर रहा है तू? मार के भगाइए इसको सर, ये हमारे स्कूल का नाम खराब करेगा। जी सर, मोनू सही बोल रहा है सर, क्योंकि ये जब गली मोहल्ले में जाएगा बच्चों के नाक कान छेदने तो लोग पूछेंगे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो ये हमारे स्कूल का नाम बताएगा तो लोगों को लगेगा शायद हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, इसीलिए ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे। और कोई भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं लेकर आएगा। मैं भी यही सोच रहा था, ये बिजनेस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आप बाहर जा सकते हो, हमें आपका बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया। जाओ और कोई पढ़े लिखे लोगों वाला बिजनेस आइडिया लेके आओ हमारे पास, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। एक और बिजनेस आइडिया है सर मेरे पास, जिसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अनपढ़ लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि सरकारी काम समझ सकते हो सर आप इस बिजनेस को। आप आज्ञा दो तो आपको ये बिजनेस सुनाता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, और सब बच्चों को टाइम मिलना चाहिए सर, ये हम सबका टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। जी सर, मैं भी यही चाहता हूँ, अब इसको थोड़ा भी टाइम ना दिया जाए, एक सेकंड ना दिया जाए। क्या बोलते हो प्रिंसिपल सर आप? सर बस 2 मिनट लगेगा, अगर समझ में ना आए मेरा आइडिया तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा, बस लास्ट मौका दे दीजिए मुझे। मुझे लगता है कि एक बार सुन लेना चाहिए हमें इसका बिजनेस आइडिया। इतनी देर से सुन ही तो रहे हो, और कितना सुनोगे, कितना सुनोगे इसी को, और लोगों को भी मौका दो। यस सर, मोनू इज वेरी राइट स्पीकिंग, आई एम वेरी इम्प्रेस फॉर दिस गाय एंड दी पर्सन ऑफ दी थिंग इज वेरी टैलेंटेड एंड आई बैक टू से दैट दी ओबेडिएंटली ऑफ थर्स्टी क्रो। ओए तू अपनी बकवास बंद कर, तो अपनी शुरू कर। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इस बिजनेस में हमारी कमाई सीधा गवर्नमेंट देगी, वो भी हमारे बैंक अकाउंट में। इसके लिए हमें चाहिए 2 लड़कियाँ, उन दोनों लड़कियों को लेकर हम जाएंगे आंगनवाड़ी में, वहाँ से लेकर आएंगे पोलियो की दवाई और गली गली जाकर हम लोग बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। ओए तुम दोनों शांति से खड़े रहो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। हमें सरकार से एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाने का मिलता है 20 रुपए। हम दिन में कम से कम 200 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे, एक दिन की हमारी कमाई हो जाएगी 200 × 20, 4000 रुपए। अब मैं रखूंगा 2000 और दोनों लड़कियों को 1000 रुपए दे दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपके साथ केवल लड़कियां ही जानी चाहिए, अगर लड़के जाएंगे तो कोई भी फैमिली आप लोगों को दवाई नहीं पिलाने देगी, क्योंकि उनको लगेगा शायद ये लोग बच्चे पकड़ने वाले हैं। अगर लड़कियां रहेंगी साथ में तो लोगों को लगेगा पोलियो पिलाने वाले हैं, इसलिए साथ में लड़कियां ही होनी चाहिए। इस बिजनेस में हमें ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे चिल्लाएंगे रोएंगे कि हमें और पिलाओ, हमें और पिलाओ। हमें ध्यान रखना है सिर्फ 2 बूंद से ज्यादा नहीं पिलाना है किसी बच्चे को। और कभी कभी बड़े बच्चे भी आके जिद करेंगे कि हमें पिलाओ हमें पिलाओ। हमें पहले ये कन्फर्म करना है कि वो 5 साल से कम उम्र का होना चाहिए, अगर वो 5 साल से कम उम्र का बच्चा होगा तभी हम उसे पिलाएंगे। और पोलियो की दवा पिलाने के बाद घरों के बाहर चौक से डेट लिखना है और अपना साइन करना है, ताकि कोई और दूसरी टीम दवाई पिलाने ना आ जाए और बच्चों को दोबारा दवाई ना पिला दे। इस बिजनेस में कमाई के हिसाब से मेहनत बहुत कम है। पोलियो पिलाना कोई बिजनेस है क्या रे? कैसी बातें कर रहा है तू? एक दो दिहाड़ी कमा लेगा, रोज रोज पोलियो कौन पीता है रे? गन्ने का जूस थोड़ी ना है कि तू रोज रोज पिलाने पहुंच जाएगा। सर इससे ज्यादा गंदा बिजनेस आइडिया मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना है। मैं चाहता हूं सर आप इसको उठा उठा के पटकिए और डंडे से मारिए ताकि इसका दिमाग सब ठिकाने आ जाए, ऐसे उठपटांग बिजनेस आइडिया ना सुनाए। सर भाग रहा है, सर भाग रहा है, जल्दी पकड़िए, सर भाग रहा है। अगला एंटरप्रेन्योर आ जाए। huh?
नमस्कार सार्क्स, मेरा नाम गोलू है और मैं खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। मेरा बिजनेस आइडिया खाने से रिलेटेड है। आज मैं आपको खाने से लेकर कई बिजनेस आइडिया बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे फाइनल कर देना। गोलू बेस्ट ऑफ लक, तू यहाँ से जरूर पैसे लेके जाएगा। चलो ए, तू अपना बिजनेस आइडिया बता जल्दी। सर मैं बिरयानी का बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरे बिजनेस का नाम है बिरयानी वाले भैया BWB। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसमें सबसे पहले लगेगा चावल। चावल हम अच्छा वाला लेंगे, 50 रुपए किलो। गोलू 50 रुपए किलो वाला अच्छा चावल नहीं मिलेगा यार, कम से कम 100 रुपए किलो वाला ले। ओए तू बीच में ना बोल, गोलू तू अपना आइडिया सुना। तो हम 50 रुपए किलो वाला चावल लेंगे, एक बोरी चावल लेंगे जिसमें 50 किलो चावल रहेगा। 50 किलो बोरी हो गई 50 × 50, 2500 रुपए का। सोयाबीन लेंगे 500 रुपए का। सभी तरह के सब्जी लेंगे 500 रुपए का। डिस्पोजल प्लेट लेंगे 300 रुपए का। और 200 रुपए का गैस लग जाएगा। अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2500 + 500 + 500 + 300 + 200, टोटल 4000 रुपए। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में 50 किलो बिरयानी तैयार हो जाएगा। एक प्लेट 200 ग्राम का होगा, 250 प्लेट बिरयानी रेडी हो जाएगा। एक प्लेट हम 30 रुपए का बेचेंगे, 30 × 250 = 7500 रुपए। एक दिन की हम कमाई निकालें तो 7500 - 4000 = 3500 रुपए। अब महीने में कमाएंगे 3500 × 30 = 105000 रुपए। ये बिजनेस आपके दोस्तों और पड़ोसियों को चौंका सकता है। एक महीने का 105000 रुपए आपके दोस्त 24 घंटे काम करके भी नहीं कमा सकते हैं। तो क्या बोलते हो सर, आप तैयार हो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए? तू भी खड़ा हो जा इन दोनों के साथ, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। जब आप, तुम्हारे दिमाग में ये गरीबों वाला आइडिया आता कहाँ से है? अगले को बुला रहे। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, तुम लोग भी मेरे तरह सुनाए थे क्या? नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर हाजिर हो जाए। नमस्कार सार्क्स, मेरा नाम राजू है और ये मेरा दोस्त पप्पू है। हम दोनों 50-50% के पार्टनर हैं। ये तो बताओ बिजनेस क्या है? सर हम दो तरह का बिजनेस करते हैं। जब एक बिजनेस में कस्टमर कम आते हैं तो हम दूसरा बिजनेस करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें और हमें कुछ पैसे भी दे दें, जिससे हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। बिजनेस क्या है ये तो बताएगा पहले। सर हम बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम करते हैं। इस स्कूल में हमारे जैसा बिजनेस माइंड का कोई नहीं है। दोनों को लात मार के बाहर निकाल दो, इतनी देर से बकवास करी जा रहे हैं। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। सर ये मेरा दोस्त पप्पू है, ये भीख मांगता है जी, इसको भीख मांगने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये पैसे के बदले सबको आशीर्वाद देता है, बहुत पुण्य का काम करता है। सर सर हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम गली गली में भीख मांगते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ पर जाके भीख मांगे, जिससे कि हमारी कमाई ज्यादा हो और हमारा बिजनेस ग्रो करे और लोग हमें जाने पहचाने, हमारा नाम हो। तो सर हमें दूर दूर जाने के लिए एक ठेले की जरूरत पड़ेगी और जिसपे ये अंधा बनकर बैठेगा काला चश्मा लगाकर, और मैं धक्का लगाऊंगा और हम दूर दूर जाकर भीख मांगेंगे। सर ये बहुत ही सुरीली आवाज में भीख मांगता है। मांग के दिखा नरे, मांग के दिखा, मांग के दिखा। अल्लाह के नाम पे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा तुझको शाम तुझे भाई साहब। हलाल खाने से पेट नहीं भरता, हराम खाए बिना चैन नहीं मिलता। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा तुझको शाम तुझे भाई साहब। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चुप कर रहे, ये क्या बकवास कर रहा है? नौटंकी बंद कर, यहाँ पे नौटंकी चल रहा है क्या यहाँ पे? इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं कि तुम लोग पढ़ लेकर भीख मांगोगे? भाग यहाँ से। सर हम सोच रहे हैं ना कि हम लोग भीख इंडिया में नहीं मांगेंगे, बाहर मांगेंगे, बाहर कंट्री में। डॉलर में भीख मिलेगा हमें, वहाँ पे इंग्लिश में भीख मांगेंगे। सर जी बहुत कमाई है, सर बहुत कमाई है। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं? रुक जा बताता हूँ तेरे को, रुक। ये ले ये ले ये ले ये ले। भाग 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 पप्पू भाग। रुक रुक रे रुक रुक, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है?